उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 14 फरवरी को समाप्त हो गए थे, जिसके बाद से ही सियासी हलकों से लेकर हर जनमानस की जुबान पर एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा के बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट चुनाव के नतीजों से पहले यह दावा कर रहे हैं कि भाजपा 60 पार का अपना लक्ष्य पूरा करके रहेगी, चाहे इसके लिए अन्य लोगों को भी भाजपा में शामिल क्यों न करना पड़े। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने यह भी दावा किया कि 60 पार के लक्ष्य के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों से भाजपा ने संपर्क भी किया है। आप भी सुनिए नेता महेंद्र प्रसाद भट्ट ने इसके अलावा क्या क्या कहा। पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। इस बार सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब लगभग 5 साल उनको भी हो गया बीजेपी में आए हुए, इसलिए आज की तारीख में कार्यकर्ता उन्होंने पहचान लिया, कार्यकर्ताओं काम भी होंगे, सरकार एक अच्छी पद्धति के आधार आगे बढ़ेगी। जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस के लोगों को भी पार्टी में शामिल कराने से चूकेगी पार्टी? कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो सब लोग आएंगे, अभी और भी लाने हैं। कुछ लोगों से बात भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बहुत लोगों से हो रही है, और जैसा सर्वे आ रहा है सर्वे के आधार पर कहीं ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जीतने वाला है तो हमारे भी संपर्क है, सब बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट के इस बयान के बाद काफी सवाल सामने आ रहे हैं। क्या उत्तराखंड में बीजेपी नतीजों से पहले अन्य दलों से संपर्क साध रहा है? क्या कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी के संबंध में हैं? यह ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब नतीजे आने पर सरकार बनने के बाद सामने आ जाएंगे। नेशन वन के लिए दीक्षा अरोड़ा की रिपोर्ट।